तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 2 दिन बीत चुके हैं, कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मन नहीं था वीडियो बनाने का। काफ़ी टाइम से लो फील कर रहा था, पर लेकिन आप सोचा कि वीडियो बना देता हूँ क्योंकि टाइम आ गया है। तो अभी का क्या प्लान है वो बताता हूँ तुम्हें। अभी बज रहा है 6:51। आज मेरा कॉलेज है, मंडे है आज, और आज मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके पीछे का भी रीज़न है। पर 1 मिनट पहले लाइव बंद कर दो। सो मैं ये पर्दा खोल देता हूँ। मैं दिख रहा हूँ, अभी नहीं दिख रहा हूँ। सही है। 6:51 हो रहा है, 7 बजे की बस है, और अभी अपने बस स्टॉप के लिए निकल रहा हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट पैक कर चुका हूँ, काफ़ी काम है आज करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ करना क्या क्या है। सबसे पहले 9 बजे मैं कॉलेज पहुँचूँगा। 9 बजे के बाद स्टडी रूम बुक किया है, उसमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है ना, ग्रुप डिस्कशन। जो लास्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन डाला था उसकी ऑडियो बहुत ख़राब है, तो एक और बार रीसबमिट करना पड़ेगा। तो अपनी टीम वालों को बोला है कि 9 बजे सब मुझे ग्रुप स्टडी ग्रुप में मिले, यानी स्टडी रूम पे मिले। तो सब 9 बजे पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं भी जल्दी उठ रहा हूँ आज। और अब मैं चल रहा हूँ बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बस छूट जाए, क्योंकि अगर ये बस छूट गई तब सीधा 11 बजे की बस है। तो सी यू आउटसाइड। देख सकते हो तुम अभी कैसा वेदर हो रहा है भाई, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। ऊपर से रात को बारिश पड़ी है आई थिंक, इसलिए पूरी रोड पे पैक हो रखी है पूरी रोड। और अब मैं चल रहा हूँ अपने बस स्टॉप की तरफ, देखते हैं कितनी देर में बस आती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार इतनी सुबह उठा हूँ भाई, काफ़ी सही लग रहा है इतनी सुबह उठते हुए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी एक्चुअली मैं उठता नहीं हूँ। उठता हूँ मैं 7 बजे, पर 9 बजे तक मतलब सारा काम वाम करके बाहर निकलता हूँ। और आज पहली बार है जब मैं 7 बजे बाहर निकल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, बाकी देख सकते हो तुम कितना साफ़ सुथरा लग रहा है आज यहाँ। और मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कभी उठता नहीं हूँ। बाकी अब वेट करता हूँ बस का, देखता हूँ बस कितने टाइम पे आती है, और तो मैं मिलता हूँ हैमिल्टन में डायरेक्ट। आज काफ़ी जल्दी पहली बार है मैं हैमिल्टन में जल्दी पहुँचूँगा। तो सी यू एट हैमिल्टन। जैस्मिन, इज इट लुकिंग ऑलराइट? That sky looks beautiful, man. What was that? जो हूँ अपने स्टडी रूम पे, तो अगर देखा जाए तो यहीं होगा अपना ग्रुप डिस्कशन। बाकी अभी टाइम हो रहा है 8:42, और ये जो रूम बुक कराया गया है वो कराया गया है 2 घंटे के लिए। देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो ये रहेगी कि ग्रुप डिस्कशन हो जाए अच्छे से। बाकी एक और चीज़ दिखानी है तुम्हें, वो ये है कि ये रूम कैसा है। और एक और चीज़ है कि मेरे साथ मेरा एक और दोस्त है जो कि माटा माटा से यहाँ तक मेरे लिए स्पेशली ट्रैवल करके आया है मेरे बैग के अंदर। तो दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये अपना स्टडी रूम है, ये बाहर का ऐसे पढ़ने का है। और जो मैं अपने गेस्ट की बात कर रहा हूँ वो ये है, देख रहे हो ये देख रहे हो ये कॉकरोच, ये आया मेरे साथ। अरे कहाँ से आया, माटा माटा से आया है मेरे साथ। और ये कैफेटेरिया अपना, नीचे कैफ़े पी सकते हो और वो स्टडी के लिए पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो बाकी अब मिलता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, पहले ये ज़रा असाइनमेंट निपटाता हूँ और फिर मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट। भाई जी क्लास हो गई है ख़त्म, और वापस अब मैं जा रहा हूँ पेटा पेट कॉफ़ी पीने, क्योंकि भाई असाइनमेंट अभी भी बनाने हैं बहुत सारे। तो मिलता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, पहले जाता हूँ ज़रा कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि काफ़ी टायर्ड हूँ भाई। तो सी यू इन द नेक्स्ट। बैठा हूँ जस्ट क्लास बोल रहा, सॉरी हब पे कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्या कर सकता हूँ, बोर हो गया हूँ भयंकर वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा। मौसम भी देखो तुम कैसा हो रहा है, बहुत ही बेकार सा। पर 1 घंटा है काटना है जैसे तैसे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मे बी आई थिंक आई शुड डू माई असाइनमेंट, सो ये देखते हैं क्या होता है। बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया यार भाई असाइनमेंट का, मतलब इतने सारे प्रेशर आ गए, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। एक हो तो बताऊँ असाइनमेंट, 10-15 असाइनमेंट पड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, मुश्किल है पर आई थिंक नामुमकिन तो है नहीं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, और देखेंगे फिर क्या होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट। शाम हो गई है और क्या बताऊँ तुम्हें यार, अब मैं अपने बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। असाइनमेंट मैंने कुछ काम नहीं किया, बस बैठा रहा मैं थोड़ा लाइब्रेरी के अंदर, बस थोड़ा आराम से अकेले बैठने का मज़ा ले रहा था। समझ नहीं आ रहा यार, देखो लाइफ में ना मैं एक उस मोड पर आ गया हूँ जब मुझे लगता है कि यार, देखो मैं पता नहीं मैं किस मोड पर आ गया हूँ, मुझे लगता है कि देखो मैं पैसा कमाता हूँ, मैं अपनी लाइफ भी जी रहा हूँ, मैं मतलब पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सब सही चल रहा है, मतलब सही सब चल रहा है। पर लेकिन ना अभी भी वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं आ रही यार,
सब तो ठीक है पर लेकिन फिर भी सब ठीक नहीं है। आई थिंक मैं ना उस स्टेज में आ गया जब मुझे समझ आ गया कि भाई पैसा ज़रूरी है पर पैसा ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा पैसा ज़रूरी है। यानी इतना होना चाहिए कि लिटरली भयंकर गिनते गिनते भयंकर हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब यार भयंकर पसीने छूट जाए गिनते गिनते। और तुम सोचो यार कौन गिन रहा है, इससे अच्छा किसी को तुम हायर कर लो गिनने के लिए कि भाई मेरे पैसे गिन ले। तो उस स्टेज तक पहुँचना है अब यार। बाकी चल रहा हूँ अपने किधर, अपने बस स्टॉप की तरफ, देखते हैं आज क्या होता है। आज बहुत काम भी है, कल सुबह शिफ्ट भी है, सुबह से स्टार्ट कर दिया था भयंकर 5 बजे से। पर या अब चलता हूँ घर, बस स्टॉप के भी पास पहुँच गया हूँ। तो यही बताना था तुम्हें कि काफ़ी लो फील कर रहा हूँ पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालूंगा भाई इसके लिए। अब अगर कमाना बहुत सारा है तो देखते हैं कैसे कमाना है, थोड़ा ट्राई करता हूँ कुछ। तो मिलता हूँ तुम्हें सीधा माटा वाला हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ आज के दिन से पर स्टिल अभी भी दिन बचा है, मतलब सॉरी आज का दिन में भी बहुत काम करना है। आई थिंक असाइनमेंट पे ही काम करूँगा अभी। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पे टाइम है तो मैं PPD बनाता हूँ आज, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट की, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। कल परसों मेरा कंक्लूजन का है, यानी कंक्लूजन बचा है ना मेरा उसका और टेबल कंटेंट। तो ये तो 5 मिनट का काम है पर मैं कंक्लूजन खुद नहीं बनाऊँगा, आई थिंक मैं किसी से बोरो करूँगा कंक्लूजन, क्योंकि मेन तो वही है कि सब एक ही चीज़ सीखेंगे। तो बेटर है कि लोगों के कंक्लूजन पावर फेस करके अपलोड कर दूँ। दूसरी चीज़ अभी बनानी है PPD, पर उससे पहले सोच रहा हूँ कि थोड़ा रनिंग पे चले जाऊँ, पर देखता हूँ अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या करूँगा, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है और खाना बनाना भी है तो इट्स काइंड ऑफ टू मच। बाकी काफ़ी सेक्सी लग रहा हूँ मैं, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक काफ़ी ग्लो आ रखा चेहरे पे यार। आज भी होता है नाक में दाना हो गया, यहाँ पर देख लो तुम ये दाना भयंकर, जब भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है तब भी मेरे दाने आ जाते हैं यार। तो बाकी बहस, और अब मिलता हूँ तुम्हें कब नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं भाई कल का दिन कैसा जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।